हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, इन्फोर की तरफ से आ रही सबसे बिगेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, जो कि ये फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये हायरिंग रहने वाली है। तो गाइज, अगर आप 2023 बैच के कैंडिडेट्स हो, 2022 बैच के कैंडिडेट्स हो, या अगर आप 2020 बैच तक के कैंडिडेट्स हो, तो ये हायरिंग आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो गाइज, अगर आपके पास बी बीटेक या अदर ग्रेजुएट डिग्री है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको हायरिंग से रिलेटेड जितनी डिटेल्स है उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और गाइज, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में गाइज, अगर आपको किसी भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या हायरिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल पे आके डेली बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो। साथ में गाइज, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाता है, कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको पता चल सके। चलिए गाइज, हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, फाइनली हम लोग इन्फोर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रोल्स के लिए ये हायरिंग देख रहे हैं। तो गाइज, इन्फोर जॉब से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम इनकी जनरल इन्फॉर्मेशन की बात कर लें, जिसमें गाइज ये हैदराबाद लोकेशन के लिए ये जॉब देख रहे हैं। उसके बाद गाइज, जो इनकी जॉब आईडी है ये होने वाली है, ये डिपार्टमेंट डेवलपमेंट की होने वाली है। इसके अलावा गाइज, हम इनकी जॉब डिटेल्स के बारे में पूरे अच्छे से देखेंगे, क्या इनकी डिस्क्रिप्शन होने वाली है, क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले गाइज, अगर इनकी रिक्वायरमेंट्स का देख लें तो गाइज, अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है और वो भी कंप्यूटर साइंस एंड इक्विवेलेंट अगर एक्सपीरियंस है, देन आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा जो अगला पॉइंट इन्होंने बोला है कि गुड वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होना चाहिए, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद और जो अगला पॉइंट है, एबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल टास्क। देन अगला पॉइंट इन्होंने बताया हुआ है कि डेटाबेस सर्वर डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस एसक्यूएल में होनी चाहिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट बोला है कि प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट स्टैक टेक्नोलॉजी, विजुअल स्टूडियो, सी हैशटैग, डॉट नेट, पावर सेल, इन सारे में आपके पास प्रोफिशिएंट होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने अगला जो रिक्वायरमेंट में बताया है कि स्ट्रांग एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विथ अटेंशन टू डिटेल, तो ये इनकी रिक्वायरमेंट हो गई, जो कि एक बार आप लोग खुद पढ़ लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद इनकी क्या डिस्क्रिप्शन में इन्होंने बताया हुआ, यहाँ से आप लोग एक पॉइंट पढ़ लेना। इसके अलावा जो अगला पॉइंट इन्होंने और जो भी चीज़ें बताई हुई हैं, आप लोग यहाँ से आके सब चीज़ देख सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये हर सब चीज़ एक बार दोबारा पढ़ लेना। यहाँ से इन4 के बारे में भी आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो, देन आपको यहाँ से आके अप्लाई कर देना। तो ये गाइज आप लोग के लिए सबसे बिगेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, जो कि इन4 लेके आई हुई है। अगर गाइज आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, अगर अप्लाई नहीं कर पाते हो तो बताना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। चलिए गाइज, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।